आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आज के वीडियो की ऑडियो क्वालिटी आपको थोड़ी सी डिफरेंट यानी कि थोड़ी सी बेकार आ सकती है, क्योंकि दोस्तों आज का वीडियो हम किसी दूसरी जगह पर शूट कर रहे हैं। तो दोस्तों इस बात के लिए मैं आप सभी को सॉरी बोलता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे तीन प्रकार के पुरुषों के बारे में जो तीन प्रकार के पुरुष औरतों को और लड़कियों को ज़्यादा पसंद आते हैं, और इन तीन पुरुषों से सभी औरतें और सभी लड़कियां चुटकियों में पड़ जाती है, और इन तीन पुरुषों के सभी औरतें और सभी लड़कियां तलवे चाटती है। तो दोस्तों अगर आपको जानना है कि कौन से है वह तीन प्रकार के पुरुष जो औरतों को और लड़कियों को ज़्यादा पसंद आते हैं, तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल और आप देख रहे हैं आपका ही यूट्यूब चैनल ऑल इन्फो अपडेट। सबसे पहले प्रकार के जो पुरुष है वो कौन से है दोस्तों, कि जो पुरुष या फिर जो लड़के किसी भी औरत के साथ या फिर किसी भी लड़की के साथ बातें करते समय बिल्कुल भी नहीं घबराते। जी हाँ दोस्तों ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर औरतों को और ज़्यादातर लड़कियों को ऐसे पुरुष बिल्कुल भी पसंद नहीं आते जो पुरुष औरतों के साथ या फिर लड़कियों के साथ बातें करते समय घबराते हैं, शर्माते हैं। जी हाँ दोस्तों अगर आपके अंदर ऐसी बात है कि आप औरतों के साथ बातें करते समय घबराते हो या फिर शर्माते हो, तो आप इस आदत को आज ही छोड़ दो, क्योंकि दोस्तों औरतों को ऐसे ही पुरुष ज़्यादा पसंद आते हैं जो उनके साथ बिंदास बातें करते हैं। तो दोस्तों आप इस बात को ध्यान में रखें। जो दूसरे प्रकार के पुरुष है वो कौन से है दोस्तों, कि हंसने और हंसाने वाले पुरुष। जी हाँ दोस्तों इसका मतलब क्या है कि जो पुरुष कितनी भी मुसीबतें होने के बाद भी हंसते रहते हैं यानी कि पॉजिटिव रहते हैं, और जो पुरुष दूसरों को भी हंसाते हैं, तो ऐसे पुरुष यानी कि हंसने और हंसाने वाले पुरुष सभी औरतों को और सभी लड़कियों को ज़्यादातर पसंद आते हैं। तो दोस्तों आप इस आदत को आज ही अपने अंदर डेवलप करो कि आप खुद भी हंस सके और दूसरों को भी हंसा सके, क्योंकि दोस्तों औरतों को और लड़कियों को ऐसे ही पुरुष ज़्यादा पसंद आते हैं जो हंसते और हंसाते रहते हैं। तो दोस्तों आप इस बात को ध्यान में रखें। जो तीसरे प्रकार के पुरुष है वो कौन से है दोस्तों, कि पॉपुलर पुरुष। जी हाँ दोस्तों इसका मतलब क्या है कि ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो पुरुष या फिर जो लड़के अपने किसी भी टैलेंट के ऊपर यानी कि अपने किसी भी चीज़ के ऊपर 10 लोगों के बीच में पॉपुलर होते हैं, तो ऐसे पुरुष ज़्यादातर औरतों को और ज़्यादातर लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं। तो दोस्तों अगर आपके अंदर कोई ना कोई तो टैलेंट है, तो आप अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लेकर आओ, क्योंकि दोस्तों औरतों को और लड़कियों को ऐसे ही पुरुष ज़्यादा पसंद आते हैं जो समाज में जो सोसाइटी में पॉपुलर होते हैं। तो दोस्तों आप इस बात को ध्यान में रखें।